छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि ऑर्डर तो दे दिया गया है लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होना है और 28 अप्रैल आज हो चुकी है। ऐसे में बहुत ज्यादा वक्त बचता नहीं है और अभी तक वैक्सीन छत्तीसगढ़ नहीं पहुंची है। आदित्य हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, 1 मई से महाअभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होनी है लेकिन वो पूरी होती हुई अभी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा सिलसिलेवार मैं आपको बताना चाहता हूं। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1 मई से 18 प्लस लोगों का जो है वो वैक्सीनेशन होगा। 19 अप्रैल को, परसों तारीख थी 26 अप्रैल, जब अमित शाह की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर चर्चा हुई तब ये बताया गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, रात तक ऑर्डर दे दिया जाएगा। 26 तारीख की रात तक ऑर्डर दिया गया, मतलब 27 को ऑन ग्राउंड आया होगा और 27 के बाद 28, 29, 30 केवल 3 दिन आपके पास बच रहे हैं और 1 तारीख से आपको वैक्सीनेशन करना है क्योंकि अप्रैल जो है वो 30 का महीना है। ऐसे में क्या 3 दिन में के अंतराल में वहां से वैक्सीन 50 लाख आ जाएगी आपके पास और आप 50 लाख लगवाना शुरू कर देंगे? थोड़ी सी दिक्कत तो है, बहुत साफ है कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने बेहद साफ कर दिया, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, और वैक्सीन नहीं आएगी ये तय है। राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री की बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि वैक्सीन की कंपनी ने साफ मना कर दिया, हम 15 मई के पहले किसी भी हालत में वैक्सीन डिलीवर करने के उसमें नहीं है। महाराष्ट्र से भी यही सूचना है कि 15 से 20 मई के आसपास ही वैक्सीन को मिल पाएगी। वैक्सीन आने में इतनी देरी होगी तो कब लोगों को वैक्सीन लगेगी और कब जाकर कोरोना से कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि वैक्सीन के अलावा और कोई चारा अभी बचता नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आदित्य आपका। वही 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। www.covid.government.in पर आप पंजीयन करा सकते हैं। आज शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ साथ एक वेबसाइट है, उस पर लॉगिन कीजिए, www.covid.government.in, जिस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शुभम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, अगर देखें तो 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाना सरकार के लिए भी एक चुनौती होगा और आम जनता को भी इस बात को समझना होगा कि अब टीका लगाने के अलावा और कोई चारा है नहीं। रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। देखिए बिल्कुल गुंजन, ये एक अच्छी खबर है कि आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन भी लगाई जाएगी। तो ऐसे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स, कई स्टडी में हमने देखा है कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं उन लोगों को, अगर वो कोरोना, पहली बात तो वो पॉजिटिव नहीं हुए हैं, और अगर पॉजिटिव हुए भी हैं तो उन्हें कोरोना का उतना असर देखने को नहीं मिला है। या इसे आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप होम आइसोलेशन में ही अपना इलाज करवा सकते हैं। तो आज शाम दोपहर 4 बजे से इसे लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और हम सभी यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएँ और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएँ, क्योंकि अभी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार मुफ्त में ही कोरोना जो वैक्सीन है वो लोगों को लगवा रही है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगनी है। पहली खेप का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया गया है। कोविशील्ड जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे पहले लोगों को लगाई जाएगी। तो सरकार की ओर से तैयारियां लगातार जारी है। ऐसे में अब जरूरत है कि लोग इस वैक्सीनेशन, इस टीकाकरण अभियान में अधिक से अधिक तादाद में हिस्सा लें। बिल्कुल शुभम, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो 45 साल से ऊपर के लोगों के अंदर भी एक ये देखने को मिला कि वो बहुत ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आ रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए। अब सरकार के लिए चुनौती रहने वाला है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि हालात संक्रमितों की वजह से ख़राब तो होते ही जा रहे हैं। वैक्सीन अगर लगवा लेंगे तो कम से कम सिक्योर हो जाएंगे वो लोग जिन्हें कोविड नहीं होगा, अगर होता भी है तो स्थिति उनकी इतनी ज़्यादा बदतर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने गुंजन, और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक भ्रम भी फैलाया जा रहा है, एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। तो ऐसे लोग जो इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, न्यूज़ स्टेट देख रहे हैं, उन लोगों को से हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह से किसी भी भ्रम में ना आए। वैक्सीन जो है हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है और ये कितनी अच्छी बात है। आप देखिए कि पिछले वर्ष तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कोविड का इलाज ही नहीं था, वैक्सीन नहीं था, और ऐसे में जहाँ पर किसी भी बीमारी के लिए 4 से 5 वर्ष लगते कोई वैक्सीन बनने में, 8-9 महीने के भीतर ही हमारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इतनी जल्दी ये वैक्सीन बनाई है। और आप देखिए कि सरकार आपको मुफ्त में ये वैक्सीन लगवा रही है और उसके बाद भी आप कहें कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ,
कई बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुद वैक्सीन लगवाई है, क्योंकि शुरुआत में ये भी खबरें आ रही थी कि राजनेता आखिर क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे हैं, मगर अब वो भी वैक्सीन लगवा चुके हैं और कई तरह से हमने रिपोर्ट्स देखी हैं। देखिए, हमीदी अस्पताल के एक डॉक्टर थे, उन्हें दोनों डोज लग चुके थे, वो कोरोना से संक्रमित हुए, उनकी उम्र भी अच्छी खासी थी, 60+ थे, मगर इसके बावजूद वो होम आइसोलेशन में ही ठीक हुए और उन्होंने जो साझा किया कि उनका जो अनुभव साझा किया कि उन्हें किस तरह की परेशानी हुई या किस तरह की नहीं हुई, तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं कि जो लोग पॉजिटिव हुए भी हैं वो लोग अपने घर में ही ठीक हो गए। लिहाजा सरकार के लोगों से यही अपील है, वैक्सीन लगवाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैक्सीन को लेकर कोई भी भ्रम अपने मन में ना रखें, पूरी तरीके से वैक्सीन सुरक्षित है, कई राजनेता भी लगवा चुके हैं, कई फिल्म स्टार्स लगवा चुके हैं और आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़कर वैक्सीन लगवानी है। ठीक है, बने रहिए शुभम हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे आगे।